हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 ज्योग्राफी एमसीक्यू का पांचवा पार्ट। इससे पहले चार पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल का नाम क्या है? तो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही होगा। देखिए, कैपिटल, करेंसी, ये सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं एक साथ नहीं लेकिन हर एक वीडियो जो ज्योग्राफी का होगा उसमें एक दो कंट्री का नाम बताऊंगा जो जिसका कैपिटल पूछा जाता है। धीरे धीरे आपको सारा याद हो जाएगा। और यहाँ पे एक और देख लीजिए, पूछा जाता है एक कैनबेरा। कैनबेरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी भी है, ज़्यादा फेमस शहर सिडनी है, लेकिन कैपिटल वहाँ का कैनबेरा है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोर्डिला इज नॉर्थ अमेरिकन इज, तो ये जो है ये माउंटेन सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, देखिए इंडिया से तो पास करता है, इजिप्ट से भी पास करता है और मैक्सिको से भी पास करता है, तो ईरान से होकर पास नहीं करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड बहुत सारा उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कंट्री का नाम दिया हुआ रहता है, कभी कभी हो सकता है इंडिया में भी पूछा तो इंडियन स्टेट का नाम दिया हुआ रहता है। आगे हम लोग देख लेंगे उस टाइप का भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कंट्री इज नोन एज द पर्ल ऑफ द ईस्ट। पर्ल ऑफ ईस्ट बोला जाता है श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर इसका डी में है, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पर्ल स्ट्रेट लाइज बिटवीन। तो पर्ल स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? तो पर्ल स्ट्रेट जो है ये है बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में। देखिए, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में ये है पर्ल स्ट्रेट लोकेटेड, और ये इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। देखिए, यदि सारा स्ट्रेट से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे आपको दो वीडियो है। एक तो पूरा मैप से डिटेल्स में समझाया गया है, एक में सिर्फ एमसीक्यू है, उसमें जितना भी वर्ल्ड का फेमस स्ट्रेट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कौन सा स्ट्रेट लोकेटेड है। अगला देखते हैं, द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कंटिनेंट। तो आप लोग को पता है सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये अफ्रीका कंटिनेंट में लोकेटेड है। ये कहाँ है? नॉर्थ, और अफ्रीका में कहाँ पे है? तो ये नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है ऊपर वाला। और अफ्रीका का एक और डेजर्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कालाहानी डेजर्ट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कालाहानी डेजर्ट, ये भी पूछा जाता है KALAHANI, कालाहानी डेजर्ट। और अफ्रीका में ये साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना, पूछा क्वेश्चन में जो पूछा गया था साउथ अफ्रीका के डेजर्ट का नाम, तो साउथ अफ्रीका का डेजर्ट जो था ये कालाहानी डेजर्ट ही है, और बोट्सवाना में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, तो याद रखिएगा कालाहानी डेजर्ट। एशिया का डेजर्ट पूछा जाता है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट ये कहाँ पे? मंगोलिया में है मेन रूप से, और चाइना में भी है, मंगोलिया चाइना, ऑप्शन में आपको यही रहेगा। इंडिया का तो पता है थार डेजर्ट जो राजस्थान में है, थार डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। तो ये लगभग 8 मिनट लेता है, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिस्कवर्ड फर्स्ट इन क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन। तो क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले डिस्कवर हीलियम किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला देखते हैं, हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड डिपर्जेंट्स बाय द 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। तो ये लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी है। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक लीस्ट टाइम टू कम्प्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो सबसे कम टाइम लेता है जुपिटर। देखिए, जुपिटर जो है ये अपने एक्सिस पर लगभग 10 घंटे में ही कम्प्लीट कर लेता है 1 रोटेशन, तो याद रखिएगा जुपिटर जो है सबसे तेजी से रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। और यहाँ पे मर्क्यूरी भी पूछा जाता है। देखिए, मर्क्यूरी जो है ये सबसे नज़दीक है सन से, सन से सबसे नज़दीक जो है मर्क्यूरी है। अगला है,
Which of the following is called crossroad of the Pacific? तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये सवाल दो टाइप से कभी कभी पूछा रहता है। यदि सिर्फ क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक पूछा जाए तो ज़्यादातर ऑप्शन आपको हवाई ही सही करके आना है, हवाई ही टिक करना है। लेकिन कभी कभी रहता है साउथ पैसिफिक दिया हुआ, तब वहाँ पे आंसर फिजी रहेगा, तब वहाँ पे ऑप्शन ये हवाई सही नहीं होगा, क्योंकि हवाई जो है ये बीचों बीच में है, लगभग मिडिल पैसिफिक ओशन में आइलैंड है ये, एक यूएसए का टेरिटरी है यूएसए का, और फिजी एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री। लेकिन फिजी जो है ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर है, तो सदर्न वाला पार्ट में पूछा जाए तो फिजी होगा, लेकिन ऐसे सिर्फ पूछा जाए तो हवाई आइलैंड आप मार के आइएगा। अगला है, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान? देखिए साउथ सूडान का कैपिटल क्या है, तो ये है जूबा। देखिए सूडान जो था, साउथ सूडान ये आखिरी सबसे स्टेट मतलब कंट्री है जो लगभग शायद इधर सबसे लास्ट कंट्री जो डिवाइड हुआ था सूडान से, वो साउथ सूडान है। तो सूडान का कैपिटल तो खार्तूम है, याद रखे सूडान का कैपिटल खार्तूम है, लेकिन साउथ सूडान का कैपिटल जो है ये जूबा है। और ये सूबा जो है ये कैपिटल है फिजी का, अभी मैं बता रहा था फिजी का कैपिटल है ये सूबा, ये भी याद रखिएगा। अगला है, वेयर इज द हम्बनटोटा पोर्ट लोकेटेड? तो ये है श्रीलंका में लोकेटेड। इस पोर्ट को चाइना लीज पे लिया है, चाइना ही बनवाया था और 99 साल के लीज पे लिया हुआ है, श्रीलंका में लोकेटेड है, याद रखिएगा। अगला है, द माउंटेन इज लिंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, तो ये माउंटेन है लूसई, ये माउंटेन रेंज है इंडिया में। देखिए एक्चुअली ये तो बिलोंग करता है इंडिया में, ये माउंटेन इंडिया में है, लेकिन ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं, लेकिन दो कंट्री के बीच में ये माउंटेन आता है, याद रखिएगा लूसई। अगला है, इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका वाई? तो ये सेपरेट करता है पालकर स्ट्रेट, हम लोग पहले ही देख चुके थे पालकर स्ट्रेट सेपरेट करता है श्रीलंका। और एक क्वेश्चन और आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? तो ये सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ऐसे 9 डिग्री चैनल या फिर डोबर स्टेट, ये सब स्टेट वाला वीडियो आप देखिए, वहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अगला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत घुमा के भी पूछता है, कभी कंट्री बाय पूछता है, कभी इंडियन स्टेट में ही पूछ देता है। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के कितना स्टेट से पास होता है, तो ये तो देखिए इधर से हम मैं काउंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आंसर जो होगा ये महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं पास होता है। आप पहले देख लीजिए किसका किस किस स्टेट से होकर पास करता है, तो सबसे पहले गुजरात में पास करता है, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद झारखंड के बाद हो जाता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। कितना स्टेट हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेट। ये 8 स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये इतना ही स्टेट से होकर पास करता है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र से होकर नहीं पास करता है। अगला है, हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विथ नेपाल? कितना स्टेट शेयर करता है बाउंड्री? तो ये 5 स्टेट शेयर करता है। कौन कौन सा स्टेट, नाम आप लोग याद रखिए। देखिए सबसे लेफ्ट साइड से चलते हैं तो उत्तराखंड शेयर करता है, उत्तराखंड, फिर यूपी शेयर करता है, फिर बिहार शेयर करता है, फिर वेस्ट बंगाल शेयर करता है, और उसके बाद सिक्किम शेयर करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है ऊपर वाला, वो थोड़ा सा शेयर करता है इसके, कहीं कहीं ऑप्शन में 4 ही मार के आ जाते हैं लोग, लेकिन नहीं, वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है बाउंड्री। तो 5 स्टेट होगा, 5 याद रखिए। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरल आइलैंड? ये है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द वे ऑफ बंगाल? वे ऑफ बंगाल में कौन सा रिवर इनमें से गिरता है? तो ये है कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर जो है वे ऑफ बंगाल में, बाकी तापी, सतलज, नर्मदा, ये सब ये अरबियन सी में फ्लो गिरता है। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर? तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सा है? देखिए ये तो गोमती तो ईस्टर्न फ्लो, महानदी भी ईस्टर्न फ्लो है, कृष्णा भी ईस्टर्न, तो साबरमती जो रिवर है ये वेस्टर्न फ्लो रिवर है, इसका सही आंसर होगा साबरमती।
ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा टॉप 500 का हिस्ट्री का MCQ भी अपलोड है, आप लोग इंग्लिश में है भी है, हिंदी में भी है, आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और साइंस का भी अपलोड हो रहा है, कुछ कुछ पार्ट तो हो चुका है, आप लोग साइंस का भी वीडियो देखें, खासकर जो ये सब अभी एग्जाम होने जा रहा है, ग्रुप डी का होगा या फिर NTPC का होगा, SSC का होगा, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।